प्रणाम नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं रघुनाथ सिंह कैंत्रा करता हूँ, आप सभी का स्वागत है अपने ब्लॉग में। अभी मैं हूँ ऋषिकेश में दोस्तों, RDPL ऋषिकेश। आज है दशहरा पर्व और यहाँ पर लगा हुआ है दशहरे का मेला, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मेला। साथ ही यहाँ पर है श्री राम जी का मंदिर, मंदिर भी दिखाते हैं, और आज यहाँ पर बना होगा रावण का पुतला, तो ये सब दिखाते हैं आज आपको इस ब्लॉग में। यहाँ पे बहुत सारी ये रंग बिरंगी तलवारें, साथ ही ये देखिए धनुष, ये गद और ये कुन्नू तलवार के साथ में युद्ध करती है। ये देखिए, और ये भाई साहब कह रहे हैं हमें भी ले लीजिए अपने ब्लॉग में। कहाँ से आए हैं आप? बाबूग्राम से। अच्छा, और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत सारे फ्लावर्स, और ये देखिए कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन, और ये देखिए दोस्तों शुभ दीपावली से संबंधित पोस्टर्स, बहुत ही सुंदर सुंदर पोस्टर्स हैं यहाँ पे। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं ऐसे पोस्टर्स देख के। हम भी बहुत एक्साइटेड होते थे दीपावली में ऐसे पोस्टर खरीद के, फिर उनसे अपने घर को डेकोरेट करना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये देखिए, ये है दोस्तों RDPL में श्री राम प्रभु जी का मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर। जय श्री राम। सभी भक्तजनों पे अपनी कृपा बनाए रखना राम प्रभु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और देखिए यहाँ पर है दोस्तों ये सिलवट्टे, साथ ही ये फावड़े, कढ़ाइयाँ, कुदाली। ये देखिए दोस्तों, रावण का बहुत ही बड़ा पुतला, रावण के पुतले को जला करके जो इंसान के अंदर की बुराइयां होती हैं उनको जलाने का प्रयत्न हर साल किया जाता है। ये देखिए, और ये देखिए रंग बिरंगी जलेबियां, पकौड़ियां। ये देखिए दोस्तों, अरे देखिए इन्होंने कर दी है मेले से खरीदारी, लोहे की कढ़ाई और एक कुदाली। तो अब हम चलते हैं घर की ओर दोस्तों, क्योंकि जल्दी फिर डिनर करके हम आएंगे इधर, रावण का पुतला, रावण के पुतले का दहन होते हुए देखेंगे। साथ ही हम अभी हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे, थोड़ी देर के बाद डिनर करने के बाद हम चलेंगे फिर से राम मंदिर की ओर, जहां पर लगा है आज एक मेला और जहां पर होगा आज रावण का पुतला दहन। तो आपको भी दिखाते हैं दोस्तों, थोड़ी देर बाद चलते हैं। तो दोस्तों अब बज चुके हैं रात के 7 और हम जा रहे हैं फिर से राम जी प्रांगण की ओर, श्री राम मंदिर प्रांगण की ओर, जहाँ पर है आज रावण का पुतला दहन, साथ ही लगा हुआ है एक मेला। और ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अंधेरा हो चुका है और अधिकतर लोग मेला देख के आ रहे हैं वापस, फिर भी मेले में अभी काफ़ी भीड़ है, चले देखते हैं मेले को। ये देखिए यहाँ पर है रंग बिरंगी बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ, बैंगल्स। ये देखिए पेठा ही पेठा, कैसे दे रहे हो पेठा है? कितने का है वो पैकेट? कितना? आधा किलो 50 रुपए। ये है श्री राम मंदिर प्रवेश द्वार दोस्तों, और इसी प्रांगण पे में हो रहा है ये भव्य मेले का आयोजन। बहुत भीड़ है मेले में दोस्तों, लोग खुशी से झूमते हुए, आनंद मनाते हुए। और ये अग्रिका ने लगा लिए हैं सिंह, अग्रिका। ये देखिए इधर देखो,
और यहाँ पे अनाउंस हो रहा है इस भीड़ में अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति खो जाता है तो यहाँ पे संपर्क करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों यहाँ पे, तो बच्चों के खोने का भी डर है। इसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे मेले में की गई है। और ये देखिए दोस्तों, ये है रामलीला का मंच, अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता माता जी। बापूग्राम से 100 रुपए, भोला सिंह सीतापुर से 50 रुपए, श्री दामोदर प्रसाद देशवाल। ढोल वालों को मंच के पास भेज दो। पूरा रामलीला ग्राउंड भारी बजाते हुए भीड़ से खचाखच भरा हुआ। ये देखिए दोस्तों, शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर। ये देखिए, थोड़ी देर में होने वाला है रावण दहन। ये देखिए दोस्तों, ये है रावण का काफी बड़ा पुतला। थोड़ी देर में होने वाला है रावण दहन। बहुत अधिक संख्या में लोग उपस्थित हुए यहाँ पे। पब्लिक वेट कर रही है यहाँ पे रावण के दहन का। और हमारे भी निकल गए हैं सीन दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, रावण दहन की तैयारी हो चुकी है। ये देखिए, थोड़ी ही देर में रावण का दहन होने वाला है। और ये बच्चे हैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित। क्या नाम है बेटा आपका? ओके, वेरी गुड। और ये देखिए दोस्तों, रावण दहन। ये देखिए दोस्तों, जल्द ही 5 मिनट में रावण के साथ साथ सभी बुराइयों का स्वाहा। ये देखिए दोस्तों, रावण के पुतले का हो चुका है दहन। हम उम्मीद करते हैं कि समाज में व्याप्त सभी बुराइयां इसी प्रकार जल करके स्वाहा हो जाएं, समाप्त हो जाएं। मैं रघुनाथ सिंह कैंत्र आज का ब्लॉग करता हूं यहीं पे समाप्त, और मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।